और भी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शालिनी रस्तोगीज किचन और दबाएं बेल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज तुरंत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी रस्तोगीज किचन और मैं शालिनी रस्तोगी आज आपको हरे आम से खट्टी मीठी चटनी बनानी बताऊंगी। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और बहुत आसानी से बन जाती है, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो कच्चे आम और उसको पानी से धोकर और फिर कपड़े से पोंछकर सुखा लेंगे। अब एक आम लेंगे, ऊपर की इसकी डंडी निकाल देंगे और छीलने वाले चाकू से इसका ग्रीन पार्ट अलग कर देंगे। इस तरह से सारे छील लेंगे हम। इसे सारा छीलने के बाद अब कद्दूकस से इसको लंबाई में हम घिसना शुरू करेंगे। इस तरीके से इसके तार तार से निकलने लगेंगे। सारे आम को हम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक और 250 ग्राम चीनी। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसको 1 घंटे के लिए हम ढककर रख देंगे ताकि इसमें रसा बनने लगेगा। मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच पीली मिर्च कुटी हुई, 10 से 15 काली मिर्च, 8 लाल इलायची बड़ी, 10 लौंग। अब इन दानों में काली मिर्च और लौंग, इन तीनों मसालों को हम मिला के दरदरा कूट लेंगे। तीनों मसालों को कूटने के बाद ये मसाले कुछ इस तरह से हो जाएंगे। 1 घंटा हो चुका है, अब इसको हम चेक करके देखेंगे। आप देखोगे कि इसमें खूब रस बनने लगा है। इसको एक बार फिर से चला देंगे। अब गैस ऑन करके रखेंगे फ्राई पैन और उसमें डाल देंगे आम और इसको चलाना शुरू करेंगे। और इसको जब तक चलाएंगे जब तक कि आम हमारे अच्छे से पक नहीं जाते हैं और जो ये रस है इसकी चाशनी नहीं बन जाती है, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी है और ये पकने लगे हैं अब थोड़े से। अभी हमें इसे और पकाना है, तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है। इसको चलाते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देखोगे कि इसका रस सारा सूखने लगा है और जो इसकी चीनी थी वो चाशनी का रूप ले चुकी है। इसको थोड़ा सा हाथ से करके देखेंगे, इस तरह से ये चिपकने लगा है। अब इसको एक बार फिर चलाएंगे और अब इसमें डाल देंगे पीली मिर्च। अगर आप लाल मिर्च डालोगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा और ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और साथ ही इसमें डाल देंगे जो हमने मसाले कूटे थे उसको भी ऐड कर देंगे। अचार हमारा लगभग बन चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अचार हमारा एकदम ठंडा हो चुका है। अब आप इसको किसी भी शीशी में भर कर रख लें और यह अचार सालों साल भी ख़राब नहीं होगा और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।